ज्ञानवापी प्रकरण मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 26 तारीख के शाम 5 बजे तक जो सर्वेक्षण की कार्रवाई हो रही थी उसको रोक दिया गया है। अब इस वक्त हमारे साथ कई सारे वो छात्र हैं जो ज्ञानवापी को लेकर काफी सुबह से ही रोमांचित थे, लगातार ज्ञानवापी को लेकर चर्चाएं कर रहे थे और इनके मन में इस बात को लेकर चर्चाएं चल रही थी कि अगर आज ज्ञानवापी का सर्वेक्षण पूरा होता है, आज का कार्य पूरा होता है तो क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन सर्वेक्षण 4 घंटे तक ही चला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसे रोक दिया गया। अब इन छात्रों के मन में क्या है और वो ज्ञानवापी को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, हम इनके बीच में हैं और जानते हैं। ज्ञानवापी को लेकर क्या जानती हैं? ज्ञानवापी को लेकर ये कहना चाहती हूँ, पहली बात तो वो मस्जिद नहीं, वो मंदिर है। वो औरंगजेब के टाइम पे वो मंदिर था जिसको उन्होंने तोड़वा के मस्जिद बनाया था और मस्जिद बना था, बट वो जो शिवलिंग और जो फुवारा वाला चल रहा है, उन मुस्लिम पक्ष का कहना है वो फुवारा है और हिंदू पक्ष का कहना है वो शिवलिंग है, क्योंकि वो उन लोगों का कहना है कि फुवारा है। आप बताइए, आप ज्ञानवापी को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? आज सर्वेक्षण की जो कार्रवाई हो रही थी उसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रोक दिया गया, तो अब आपका क्या सोचना है? सर, मेरा ये कहना है कि सर्वेक्षण होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और जो एविडेंस है वो इधर उधर बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए। एज कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने और अदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने भी ये ऑर्डर दिया हुआ है कि मतलब तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए वहां पे, एक करेक्ट वे से वहां पे सर्वेक्षण होना चाहिए, वहां पे पूरा सर्वे होना चाहिए। तो मैं उसके बिल्कुल सपोर्ट में हूं कि सही से होना चाहिए, और जैसा कि मुस्लिम पक्ष ने बोला है कि मतलब अगर सर्वेक्षण होगा तो वहां पे टूटेगी फूटेंगी चीजें और वहां पे सारी चीजें लाइक कुछ ना कुछ उन लोग की धार्मिक जो कि बिल्कुल सही बात है जी, आहत भावनाएं उनकी आहत होगी। तो भावनाएं आहत हो या ना हो वो तो अलग बात है, वो टोटली एक अलग बात है, लेकिन हम लोग को सर्वे से पता तो चल जाएगा ना कि एक्चुअली वो चीज एग्जिस्ट मतलब किसकी करती है। तो कहना क्या चाहते हैं, सर्वे होना चाहिए या नहीं? सर, बिल्कुल होना चाहिए, मेरा बस यही कहना है, बस बेसिकली मेरा यही कहना है कि सर्वेक्षण होना चाहिए और जो सर्वे है उससे जो भी चीजें हैं वो क्लियर होंगी। बिल्कुल, तो सर्वे से तमाम सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और सर्वे होना चाहिए। आपका क्या मानना है, सर्वे रोक दिया गया है, सर्वे होना चाहिए या नहीं? सर, बिल्कुल सर्वे होना चाहिए, लेकिन हाँ, जैसा कि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि उसमें तोड़फोड़ होगी, तो ऑब्वियसली किसी के भी रिलीजियस सेंटिमेंट को हम हर्ट नहीं कर सकते हैं, और क्योंकि अभी डिसाइड कैमरे का प्रावधान किया गया, 4-4 कैमरे लगाकर सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो रहा था, तो क्या लगता है मुस्लिम पक्ष जिस तरह से आरोप लगा रहा है कि वहां खुदाई की गई, आरोप में कितना दम लगता है? सर, बिल्कुल, तो जैसे मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया है तो उन्हें एविडेंस देने चाहिए कि वो मतलब किस मुद्दे को लेके ऐसा कह रहे हैं कि वहां पे तोड़फोड़ हुई है या कुछ भी, तो उन्हें अपना एविडेंस देना चाहिए और उन्हें ये प्रूफ करना चाहिए कि सच में वहां पे तोड़फोड़ हुई है। ठीक है, तो अगर मुस्लिम पक्ष आरोप लगा रहा है कि वहां खुदाई हुई है, मुस्लिम पक्ष ये बात अगर सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है और इस बात के बिना पर अगर सर्वेक्षण की कार्रवाई रोकी जाती है तो ये गलत है, ऐसा इनका कहना था। आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम गौरव यादव है। गौरव, सर्वेक्षण की कार्रवाई आज रोक दी गई है, ज्ञानवापी को लेकर आप क्या कुछ समझते हैं? सर, बिना सर्वे हुए पता ही नहीं चलेगा वो वहाँ पे फाउंटेन है या शिवलिंग है, तो इसलिए सर्वे होना चाहिए। नहीं, उसको तो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट ने उस एरिया को सील कर रखा है, वहां का तो वैसे भी अभी फिलहाल सर्वेक्षण नहीं होना था, लेकिन अन्य क्षेत्रों का सर्वेक्षण हो रहा था, चाहे वो दीवार थी या फिर अन्य जो क्षेत्र थे उनका सर्वेक्षण होना था, लेकिन उन पर रोक लगा दी गई। सर, सबका सर्वे होना चाहिए, बिना सर्वे हुए पता ही नहीं चलेगा कि वो मस्जिद था या मंदिर था, वो तो तोड़ के बनाया गया है मस्जिद। आपको क्या लगता है मुस्लिम पक्ष विरोध क्यों कर रहा है सर्वेक्षण का? मुस्लिम पक्ष सिर्फ इसीलिए विरोध कर रहा है क्योंकि वहां पर पहले मंदिर था। जब सर्वेक्षण का आदेश आया तो आप देखेंगे मंदिरों में, हर मंदिरों के द्वारा कलाकृतियां होती हैं, वो उसी का विरोध करें कि यदि साइंटिफिक सर्वेक्षण हुआ तो कहीं ना कहीं कार्बन डेटिंग से पता नहीं चल जाएगा वो फवारा है कि क्या है। और रही बात ज्ञानवापी की मस्जिद की, तो वहां पर मस्जिद थी ही नहीं, क्योंकि आप यदि विश्वनाथ के मंदिर में गए होंगे तो नंदी की प्रतिमा देखे होंगे, नंदी किस तरफ रहते हैं, उल्टा रहते हैं सीधा रहते हैं? सीधा बाद में रखे गए, बाद में रखे गए थे, लेकिन उनका तो वही दिखाया गया ना। और जब 17वीं शताब्दी में औरंगजेब आया तो उस मस्जिद को गिरा के वहां पर मंदिर को गिरा पे वहां मस्जिद बनाया, और यदि आप देखेंगे बाहर से जो दीवाल है वो पूरी मंदिर की ढांचा एक बनी है, उसे ऊपर गुंबद बना दिया गया है। और जो सर्वेक्षण का विरोध किया जा रहा है, आप मुस्लिम पक्ष आप बताए कि अंदर गया ही नहीं, तो वो कैसे पता लगा लिया? वहां 4-4 कैमरे लगे हुए हैं, एविडेंस के साथ प्रूव किया गया है कि वहां पर किसी से कुछ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, कुछ नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक सर्वेक्षण किया जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं कि उन्होंने रोक लगाया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें पूर्ण विश्वास है कि बाबा भोलेनाथ के ऊपर हमें विश्वास है, उनका पुण्य मास सावन चल रहा है। बिल्कुल, तो सावन मास है और बाबा विश्वनाथ जरूर न्याय करेंगे, ऐसा है इनका मानना है। जी, आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम शिवम तिवारी है। शिवम, क्या मानना है आपका, ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर जो विवाद चल रहा है वो कितना जायज है और किस मोड़ ओर जाना चाहिए?
देखिए ज्ञानवापी प्रकरण पर मेरा यह मानना है, जैसे कोर्ट का आदेश था कि आज जांच होनी चाहिए, सर्वेक्षण होना चाहिए, तो मुस्लिम पक्ष को उसका सहयोग करना चाहिए था, कोर्ट का सहयोग करना चाहिए कि वहां पे सर्वेक्षण करने उन लोग को भी आना चाहिए था, लेकिन वो लोग वहां गए ही नहीं, उपस्थित ही नहीं हुए, तो लोग क्या मतलब कोर्ट में बार बार चले जा रहे हैं, कोर्ट का सहयोग भी नहीं कर रहे, तो इससे लोग खुद अपने पक्ष को कमजोर कर रहे हैं। अगर उनका मानना है कि वहां मस्जिद था तो कोर्ट का सहयोग कर रहे, सर्वेक्षण होता, अगर मस्जिद रहती तो मस्जिद वहां ही रहता, अगर मंदिर है तो मंदिर वहां रहता। बिल्कुल, तो अगर मस्जिद है तो कोर्ट के जाने से पहले उन्हें बल्कि सपोर्ट करना चाहिए था सर्वेक्षण टीम को, जो पुरातत्व विभाग की टीम गई थी उसका, क्योंकि पुरातत्व विभाग का जब जांच पड़ताल होता तो उसमें कई सारी चीजें निकल कर आती और मस्जिद है कि मंदिर, ये भी बातें सामने आ जाती है, इनका ऐसा कहना है। आप अपना पक्ष बताएं। जी, मेरा नाम संस्कार राय है। संस्कार, क्या मानते हैं ज्ञानवापी विवाद को लेकर, क्या कुछ जानते हैं? जानना नहीं है कुछ सर, 17वीं शताब्दी में औरंगजेब आए, मंदिर तोड़वाया हमारा, मस्जिद बनाया, अब फिर हम लोग यही चाहते हैं कि उसका अच्छा से जांच हो, सर्वेक्षण हो और फिर से वहाँ मंदिर बने। मंदिर बनना चाहिए या मस्जिद? जी बिल्कुल, मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि एक लुटेरे ने हमारे मंदिर को तोड़ के मस्जिद का निर्माण करवाया है और वहाँ पे काशी विश्वनाथ का मंदिर है और वही रहेगा। और सेकुलरिज्म की जब भी बात की जाती है तो हमेशा हिंदू ही से ही एक्सेप्ट किया जाता है कि वही लोग बढ़ चढ़ के इसमें भागीदारी रहे, मुस्लिम पक्ष को भी सेकुलरिज्म में उतना ही सहयोग करना चाहिए और सर्वे में आगे बढ़ के आना चाहिए कि सर्वे हो और वहाँ पे, जिससे कि पता चल पाए कि वहाँ पे आखिर था क्या, खुद ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि वहाँ पे। बिल्कुल, तो ये बड़ी बात है, जब सेकुलरिज्म की बात होती है तो हमेशा इनका कहना है कि ये माना जाता है कि हिंदू ही कॉम्प्रोमाइज करे, मुस्लिम क्यों नहीं, इनका ये कहना था। हालांकि एक और शख्स हमारे साथ है, आप अपना परिचय बताएं। अभिषेक नाम है मेरा। अभिषेक, आज का दिन जो लगातार गहमागहमी का माहौल रहा सुबह से, क्या मानना है आपका? मुस्लिम पक्ष झूठ बोल रही है, मुस्लिम पक्ष चाहती ही नहीं कि वहाँ सर्वे हो, क्योंकि उनको सब पता है कि वहाँ सिर्फ भोलेनाथ का आधार है और जब सर्वे हो जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो वो कभी नहीं चाहेगी कि सर्वे हो। इससे पहले राम मंदिर बना, 3 साल सर्वे हुआ, एक एक चीज वहाँ पे पता चला कि राम मंदिर के आधार पर, सनातन धर्म के आधार पे हिंदुत्व से सब चीज जुड़ा हुआ है, तो ये चाहेगी कि एक उनका चीज गया दूसरा भी चीज जाएगा, इसीलिए सर्वे चाहती नहीं है, बार बार जिला न्यायालय फैसला सुनाती है, ये सुप्रीम कोर्ट भागते हैं, तो इनके पास कोई आधार नहीं है। बिल्कुल, तो इनके पास कोई आधार नहीं है ऐसा इनका कहना है, यानी मेरे साथ जो छात्र थे उनका ये मानना है कि जो सर्वेक्षण की कार्रवाई चल रही थी उसमें मुस्लिम पक्ष को सहयोग करना चाहिए था ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। कैमरा पर्सन नवनीत के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी।